इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें गुजरात चुनाव प्रचार में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में केजरीवाल का नाम लिए बिना ही कहा कि वो आतंकवाद और भ्रष्टाचार के हितैषी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार गुजरात चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में देखें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में केजरीवाल का नाम लिए बगैर ही कहा कि वो आतंकवाद और भ्रष्टाचार के हितैषी हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितेशी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है। और जब ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं, आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है? पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है, इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो उसको वोट दे करके हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें। उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या के पास छपिया में जन्मे भगवान स्वामीनारायण गुजरात में आस्था के प्रतीक बन करके छा गए। गुजरात की धरती ने लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया, जिन्होंने भारत के एकीकरण में अपने लोह हस्त से पूरे भारत के एकीकरण का बीड़ा अपने हाथों में लिया और वर्तमान भारत को। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं, आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।